आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग आपके समक्ष आए हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जातीय जनगणना का एक प्रमुख विषय समाज में चल रहा है, विमर्श में है। लेकिन इसके इतर कुछ राजनीतिक दल जो कि बिहार में सक्रिय हैं, उस संदर्भ में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिला और प्रधानमंत्री जी ने लगभग एक घंटे के करीब सभी की बातों को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुना। उसके संदर्भ में एक बात हम सबके समक्ष आई। हम जानते हैं बिहार के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव, वो लगातार पिछले 7-8 दिनों से जाति जनगणना के संदर्भ में एक बहुत ही हल्की और सतही बात कह रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप सबने भी सुना है, आप सबने भी देखा है। वो कहते हैं, मतलब ये दिखाता है कि वो कितने असंवेदनशील और कितने अपरिपक्व हो सकते हैं। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस देश में पशु पक्षी पेड़ पौधे वृक्ष दलित जनजाति की गिनती होती रही है। अब कहना क्या चाहते हैं, जो देश में 22% से अधिक दलित और जनजाति हैं और बिहार में 18% से अधिक दलित और जनजाति हैं, क्या पशु पक्षी के समान हैं? हम पूछना चाहते हैं। हम भाजपा के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ये स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आपकी दृष्टि में, आपके विजन में, आपकी सोच में पशु पक्षी पेड़ पौधे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्या ये एक समान है? हम सब जानते हैं कि ये कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी, हर एक पार्टी का, हर एक संगठन का अपना एक सांगठनिक सोच होता है, एक इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट होता है, एक संस्थागत सोच होता है। हम सबको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार किस प्रकार से दलित जनजाति के मुद्दों के प्रति असंवेदनशील रहा है। आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में, संगठन में और सरकार में कितनी सामाजिक विविधता है? सामाजिक न्याय के नाम पे मंडल के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी शुरू हुए हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, सामाजिक न्याय के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का न्याय किया और कुछ नहीं किया है। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी अपरिपक्वता आप कैसे बोल सकते हैं? हम लोग तो वेट कर रहे थे, हम लोग संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में इंतजार कर रहे थे कि भाई उनके यहाँ, उनके संगठन में तो बहुत विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग उनको स्पष्टीकरण करेंगे, उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे कि नहीं भाई गलत बोल रहे हो तुम। लेकिन एक ही बात वो कई बार बोल रहा है। मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है कि भाई आपका सलाहकार कौन है, आपका मेंटर कौन है? आप कहते तो हैं कि आप गरीब गुरबा की राजनीति करेंगे, प्राइवेट हवाई जहाज में, चार्टर हवाई जहाज में बैठ के केक काट करके जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। मैं आग्रह करता हूं उनसे कि आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता, आपके संगठन का सोच क्या है, आपका इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का विजन और थिंकिंग क्या है, हम सब जानते हैं। मित्रों, हमें अभी भी स्मरण आता है जब जंगल राज 1990 से लेकर के 2005 में राष्ट्रीय जनता दल का शासन था। बथानी टोला की बात करिए, बारा की बात करिए, सेनारी नरसंहार की बात करिए, बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज उन्हें न्याय मिला? नहीं मिला। हर एक पार्टी में, हर एक संगठन में उसकी जो प्रतिबद्धता है, उसकी जो संवेदनशीलता है सामाजिक न्याय के प्रति, ये कैसे सिद्ध होता है? ये ऐसे सिद्ध होता है कि उस संगठन में और सरकार में आप कैसे प्रतिनिधित्व देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एकमात्र ऐसी पार्टी है भारत के राजनीतिक इतिहास में जब किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था बंगारू लक्ष्मण जी के रूप में। राष्ट्रीय जनता दल में एक ही परिवार का व्यक्ति, उसी परिवार का व्यक्ति शाश्वत अध्यक्ष हो जाता है। लालू जी अध्यक्ष हैं, आज उनके सुपुत्र अध्यक्ष हैं, कल को ही उस परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष हो जाएगा। नहीं, सामाजिक न्याय की परिभाषा को अभी रिविजिट करना है क्या, पुनर्विचार करना है क्या?
सामाजिक न्याय यानी क्या? समाज के सभी वर्गों को साथ मिलाकर के शासन प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करना, और यह अभी हो रहा है लगातार। ये जो शिगुफा चल रहा है इन लोगों का कि भाई जाति जनगणना जाति जनगणना, मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले 7 वर्षों में वो चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय स्तर पे संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात हो, शासन प्रशासन में भागीदारी की बात हो, भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 27 OBC वर्ग के मंत्री बन के आए हैं, तमाम ऐसी स्कीमें हैं, जनधन की बात हो, आधार की बात हो, मुद्रा की बात हो। आप लोग पूछते हैं कि भाई मोदी मैजिक है, हम मोदी मेहनत कहते हैं। कभी भी किसी की धर्म किसी की जाति को देख करके कोई विभाजन नहीं किया गया है। इसीलिए इस प्रकार की जो मानसिकता है, ये सतही मानसिकता है, ये ओछी टिप्पणी जो उन्होंने की है, हम आपके माध्यम से ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी, आप एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता होने के नाते, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, आपका एक सामूहिक दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। कोई भी जनता जो है उनकी आकांक्षा होती है और वो अपने प्रतिनिधि से कुछ अपेक्षा रखती है, एक बेसिक डिग्निटी का, बेसिक सम्मान का। जब आप वो सम्मान नहीं देंगे, 18% लोग, 18% बिहार के 18% दलित समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग आज आहत हैं, आज उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, आज दुख हुआ है उनको। आप बार बार बोल रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई अब सुधार होगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं आप लोग सदन में, सदन के पटल पे, और लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा है कि सेंसस में पशु पक्षी पेड़ पौधे दलित जनजाति SC ST इन सबको एक ब्रैकेट में रखने का काम किया। क्या मानसिकता है? एक ब्रैकेट में रख के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपके लिए सब बराबर है। अविलंब स्पष्टीकरण दें श्री तेजस्वी यादव, अविलंब क्षमा मांगे श्री तेजस्वी यादव, अविलंब वो स्पष्ट करें कि उनके संगठन का इस पे आउटलुक क्या है, इस पे अप्रोच क्या है, इस पे उनका दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लगातार श्री लालू यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, उन्होंने बात तो सामाजिक न्याय की है, लेकिन थोड़ा हम लोग इतिहास में पीछे जाके देखें तो हमें समझ में आएगा। हमने आपसे नरसंहार की चर्चा की, इनकी मानसिकता गैर दलित रही है, एंटी दलित माइंडसेट है राष्ट्रीय जनता दल। 1990 का स्मरण मैं आपको कराना चाहता हूं, राम सुंदर दास जी भोला पासवान शास्त्री के बाद दूसरे दलित मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो गए थे, उनके खिलाफ गणित किसने किया, उनको मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका, थोड़ा इतिहास में जाके देखिएगा। यही लालू यादव जी थे जिनको स्वीकार नहीं था कि एक दलित के रूप में श्री राम सुंदर दास जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। यही लालू यादव जी थे जिनके शासनकाल में इतनी विभत्स नरसंहार की घटनाएं होती हैं। यही लालू यादव जी हैं जिनके पार्टी में, जिनके संगठन में कोई भी दलित, कोई भी हाशिए के वर्ग का लोग संगठन में किसी निर्णायक भूमिका पे नहीं आ पाता है। लेकिन यह अब नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, और मैं आप सबके माध्यम से ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहता हूं। अविलंब आपको स्पष्टीकरण देना होगा, इस बयान को वापस लेना होगा। 18% बिहार के लोग, पूरे देश के 22% से अधिक लोग जो हाशिए के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके भावनाओं को आपने निरंतर आहत पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। आप तुरंत इस बयान को वापस ले और ऑन रिकॉर्ड क्षमा मांगे, आपसे विनम्रता पूर्वक सादर हम लोगों का ये आग्रह है। इतनी सी बात हमें आप सबके समक्ष रखनी थी, हमें लगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वैचारिक रूप से दोहरेपन का परिचय लगातार देते आ रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करेंगे और सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगे, हम स्वयं पद पे रहेंगे, हमारे भाई पद पे रहेंगे, हमारी बहन राष्ट्र में रहेंगे, अब इससे बात नहीं बढ़ने वाली है। सामाजिक न्याय में सब वर्गों का कल्याण होगा और सबके साथ होगा, पिछले 7 वर्षों में ये हो रहा है। नीट का विषय देखते हैं, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण होना चाहिए, 1986 से इतना समय लग गया। थोड़ा पीछे जाइए आप, 1955 में पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, उसको काका कालिलकर कमीशन कहते थे,
बीपी मंडल कमीशन बिहार की धरती से निकला था, काका कलिलकर कमीशन के रिकमेंडेशन हो, बीपी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन हो, इन सबको लागू किसने नहीं किया? अरे सदन में तो कांग्रेस के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो सदन में विरोध किया था मंडल कमीशन की अनुशंसाओं का, और आप उनके साथ गठबंधन करते हैं। आपको स्पष्ट करना होगा, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा, ये अपने सुविधा के अनुसार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो सोशल जस्टिस का और सामाजिक न्याय का परिभाषा करते हैं ये उचित नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। अविलंब हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आपको इस बयान पे तुरंत स्पष्टीकरण दे, और आपको यदि लगता है तो हम आपसे यह भी विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि आप इस पे क्षमा मांगिए। देखिए आज का चर्चा का विषय ये नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, इस विषय पे हम कोई टिप्पणी करने से बचेंगे, और वो जदयू का जदयू का आंतरिक जदयू का नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि जातीय जनगणना के लिए स्टेट के पास अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन जहाँ तक हमारे संगठन का स्टैंड है इस पर जब प्रधानमंत्री जी यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठक करते हैं एक घंटे का और बोलते हैं कि विचार हो रहा है, जब भी निर्णय होगा आप सबके सामने आ जाएगा। अभी देखिए लोकतंत्र में हाँ या ना से नहीं होता है, लोकतंत्र में यस और नो नहीं होता। ये 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ के देश में सबसे चर्चा संवाद विचार विमर्श होने के बाद ही कोई इन्फॉर्म डिसीजन होता है, ये हाँ या ना नहीं होता है। क्षमा चाहता हूँ। जातिगत जनगणना के विषय को निर्णय लेंगे, चर्चा करेंगे, अभी कोई आज के आज निर्णय लेना ये तो आवश्यक नहीं है ना, ये आवश्यक नहीं है। और देखिए मैंने ये भी कहा है आपको, आप एक विषय पकड़ रहे हैं कि जाति जनगणना इकलौता मापदंड नहीं है, 2001, 2011, 2021 और अगले 10 साल में 2031 में दोबारा दिखेगा ऐसा विषय आएगा। जब भी जनगणना होती है, जब भी सेंसस होता है तो ये विषय आता है, ये कोई नई बात नहीं है। यूपीए का शासन काल तब भी चिदम्बरम ने क्या कहा था, वीरप्पा मोइली के डिमांड पे भी चिदम्बरम ने कहा था कि अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये विषय आता है, ये कोई आज का विषय नहीं है, इस समय समय पे ये प्रश्न खड़े होते रहेंगे, लेकिन सरकारों को निर्णय लेना है। जहां तक हमारे संगठन हमारे शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये विषय विचाराधीन है, लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब भी इस पे निर्णय लेगा सबसे राय विचार संवाद विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा और आप सबके समक्ष होगा। लेकिन पुनः मैं अपनी बातों को दोहराता हूं कि इकलौता मापदंड जाति जनगणना नहीं हो सकता है। सामाजिक न्याय के लिए आपकी नीति क्या है, आपका नियत क्या है, आपने 7 वर्षों में क्या काम किया है, आखिरकार आप ही बताइए मुझे इतना क्यों समय लग गया। 27 ओबीसी के लोग, और सिर्फ ये सेरेमोनियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, यार भाई ओबीसी का है तो उसको पिछड़ा वर्ग आयोग दे दो, ओबीसी का है तो उसको सामाजिक न्याय दे दो। प्रमुख प्रमुख इंपॉर्टेंट मंत्रालय में आज ओबीसी समाज के लोग और दलित समाज के लोग हैं, 27 ओबीसी लोग, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपकी प्रतिबद्धता आपकी संवेदनशीलता कितना है वो एक पॉलिसी डिसीजन से स्पष्ट नहीं होता है, उसके और भी कई मायने हैं, उसके और भी कई यार्डस्टिक हो सकते हैं। देखिए नहीं नहीं देखिए आज की जो प्रेस वार्ता है ये तेजस्वी जी के भाषण के एक संदर्भ को हमने लिया है जो वो लगातार कह रहे थे। आपको नहीं लगता है क्या, अभी एक सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, अभी एक सक्रिय नागरिक हैं, जब एक बड़े वर्ग के लोगों को आप पशु पक्षी और वृक्ष के साथ एक ब्रैकेट में डाल दें, आपके मन में प्रश्न नहीं खड़ा होता है क्या, आप असंवेदनशील हो गए हैं क्या? कोई भी समाज जो सक्रिय है, कोई भी समाज जो संवेदनशील है, कोई भी समाज जो हाशिए के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, कोई भी जो सामाजिक न्याय में जिसकी निष्ठा है जिसका विश्वास है उसके मन में ये प्रश्न खड़ा होगा। पशु पक्षी वृक्ष पेड़ पौधे दलित जनजाति एक ही ब्रैकेट में रखा गया है, ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पुनर्विचार करें और तुरंत इसको वापस लें। नहीं 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 देखिए ये
नीतीश कुमार जी उस पर नहीं समर्थन दे रहे हैं, वो जाति जनगणना एक विषय है, जाति जनगणना पे जो ये ओछी सतही टिप्पणी है उस पर हमारा ये ध्यान है, या उसमें दोनों को जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। और कोई प्रश्न? चलिए धन्यवाद। नहीं चलिए, उन्होंने खुद कहा ना कि विषय